हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लास्ट एपिसोड में जहां रिटेनर्स ने थॉर्फिन आइनर द्वारा बोई फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, जिस कारण रिटेनर्स और उनके बीच लड़ाई हुई, जहां थॉर्फिन के सर पे वार कर रिटेनर्स ने थॉर्फिन को बेहोश कर दिया था। अब इससे आगे हमें विलेन सागा सीजन 2 एपिसोड 9 4th में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। एपिसोड स्टार्ट होता है जहां थॉर्फिन अभी भी अपने सपने में है और मानता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है बैटलफील्ड में, और जिस कारण उसे स्लेव बनना पड़ा। थॉर्फिन के सपने से बाहर आते हुए हम अभी भी आइनर को रिटेनर से लड़ता हुआ पाते हैं, जो किसी भी हाल में हार नहीं मानना चाहता और रिटेनर को उनकी जगह दिखाना चाहता है। आइनर की ये बहादुरी देख रिटेनर हार मानकर वहां से जाने लगते हैं, आइनर को लड़ाई के कॉन्सिक्वेंसेस बताते हुए। फिर इसके बाद हमें विलेन सागा इंट्रो देखने को मिलता है, और इंट्रो के बाद वापस हम थॉर्फिन के सपने में आते हैं, जहां अभी भी उसके फादर है और बैटल फील्ड से वापस लौटे हैं और थॉर्फिन से नाखुश है और उससे पूछते हैं, तुमने किसकी जान ले ली मेरे दिए हुए नाइफ से। ये बोलते ही थॉर्फिन का हरा भरा सपना ब्लड रेड कलर में चेंज हो जाता है, जहां उसको दिया हुआ नाइफ उसने आइनार के गले में भोंक दिया है, और ये देख थॉर्फिन रोने लग जाता है। जहां फिर उसके फादर बोलते हैं, ये नाइफ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए था और स्ट्रेंथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। सॉरी थॉर्फिन, अभी बहुत सी चीजें हैं जो मैंने तुम्हें बतानी और सिखानी है। जो सुन थॉर्फिन अपने फादर की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन से कुछ हाथ निकलते हैं और उसे रोक लेते हैं। और जहां थॉर्फिन के फादर बोलते हैं, तुम समझो थॉर्फिन, दुनिया में किसी का कोई दुश्मन नहीं होता और तुम्हारा भी कोई दुश्मन नहीं है। किसी को अच्छा नहीं लगता दुखी रहना और ना कभी होगा। उनके ये बोलते ही जमीन से बहुत से हाथ और निकलते हैं और थॉर्फिन को अपने साथ खाई में गिरा देते हैं, और गिरते गिरते थॉर्फिन अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, और इस प्रयास में उसके नाखून भी टूट जाते हैं और अंत में वो लटक जाता है खाई के एंड पॉइंट में। फिर लटके हुए खाई से जब वो नीचे की ओर देखता है और पाता है चारों ओर खून ही खून और इन सारी दरिंदों को लड़ते हुए, जो किसी को भी और कहीं पर भी वार कर रहे हैं हंसते हंसते, और किनी का भी सर अलग है वो भी हंस रहे हैं। जहां उसकी मुलाकात होती है एस्केलेट से, जो उससे बोलता है, थॉर्फिन तुम फिर वही जगह में आकर फंस गए, तुमने कभी नहीं सीखा और तुम फिर वापस वही जगह में पहुंच गए हो। ये सुन थॉर्फिन पूछता है, क्या ये वालहाला है। जहां एस्केलेट बताता है, ये और वालहाला तो इससे काफी शांत जगह है, ये तो ऐसी जगह है जो आईना है ऊपरी वर्ल्ड का, जहां ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो अपने आप को वॉरियर कहते हैं। ये है असली वॉर, जहां तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है और किसी की विक्ट्री नहीं है, ना ही किसी का एंड। जो देख थॉर्फिन घबरा जाता है, और फिर एस्केलेट बोलता है, याद है तुम्हें थॉर्फिन, इससे पहले तुम भी यही रहा करते थे हमारे साथ, पर अब तुम एम्प्टी हो जिस कारण यहाँ से निकल पाए। वैसे मैं तो कोई नहीं होता ये कहने वाला जिसने तुम्हें ये राह में घसीटा था, पर तुम लकी निकले जो यहाँ से निकल पाए। इससे पहले तुम भी यही वॉरियर वाली चीजों से भरे थे, पर अब तुम एम्प्टी हो। तुम्हारे अंदर क्या है थॉर्फिन। थॉर्फिन जवाब देता है, मैं अभी भी अंदर से एक वॉरियर हूँ। मैंने अपने आक्रोश में एक आदमी पर हाथ उठाया जिस कारण वापस मैं इस जगह को देख रहा हूँ। मैं अभी भी इस जगह में ही बिलोंग करता हूँ। मैं एक बेकार आदमी हूँ जो कभी नहीं सीखता। फिर एस्केलेट बोलता है, अच्छा है कि तुम अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, पर एक बार अपनी आंखें खोल के तो देखो, बहुत सी भयानक चीजें तुम्हारी आंखों के नीचे है। उसके ये बोलते ही बहुत से लोगों ने थॉर्फिन के नीचे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के थॉर्फिन को उस जगह में खींचने लगे हैं। जो देख थॉर्फिन उनसे डर कर उन्हें लात मारने लगता है, और फिर एस्केलेट बोलता है, उन्हें लात मत मारो, उनके पास तुम्हारे लिए कंप्लेन है। थॉर्फिन बोलता है, कंप्लेन। जहां फिर एस्केलेट बताता है, इन्हें गौर से देखो, ये वही है जिनकी तुमने कभी जान ली थी। ये सुनते ही थॉर्फिन रोने लगता है और सभी से माफी मांगता है। उसको रोता देख कुछ लोग उस पर नीचे से एरो चलाने लगते हैं। जो देख एस्केलेट उनको मारने के लिए कूदता है और थॉर्फिन को बोलता है, ये कोई रोने का समय नहीं है, ऊपर चढ़ो ये सभी लोगों को अपने साथ लेकर और अपनी असली बैटल को लड़ो, जो एक ट्रू वॉरियर बनने की। ये सुनते ही थॉर्फिन चिल्लाते हुए उठ जाता है अपने सपने से, जहां सपने से उठते ही वो आइनार को नीचे गिरा हुआ पाता है, और फिर उसे उठाकर वो दोनों जाते हैं अपने घर की ओर, जहां आइनार अभी भी दुख में है पनिशमेंट के, पर थॉर्फिन के पंच से बड़ा ही प्रभावित है। ये सब सुन वहां थॉर्फिन कसम खा लेता है कि अब वो किसी पर हाथ नहीं उठाएगा, अपने आप को दोबारा जीना सिखाएगा, अपने कर्मों का पश्चाताप करते हुए, और अपनी असली लड़ाई लड़ेगा एक ट्रू वॉरियर बनने की। जो सुन आइनार भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है, और एंड में हमें पता चलता है कि उन दोनों को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि पातेर ने डिस्ट्रॉय किए गए खेत में से एक कोड का बटन ढूंढ कर निकाला है जो उन रिटेनर में से किसी का है। जहां गेतील ये बात को यही दबा देने को कहता है और पातेर को शाबाशी देता है, जहां पातेर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ करता था क्योंकि मैं भी कभी स्लेव था बोल गेतील का शुक्रिया करता है। और थॉर्फिन आइनार को खेत में काम करते हुए दिखाकर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है, और पोस्ट क्रेडिट नेक्स्ट एपिसोड आकर्ष हेड की झलक देखने को मिलती है। ओके फिर दोस्तों, ये वीडियो यहीं पूरी होती है। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ।